अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पिगमेंटेशन से फ्रैकल्स का मसला बहुत लोगों के साथ होता है और बहुत क्रीम्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं लेकिन बेसूद होती हैं। पिगमेंटेशन से फ्रैकल्स के बहुत से रीजन होते हैं, रीज़न कोई भी हो। तो आज की वीडियो में एक बेस्ट क्रीम आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ, किस तरह से आप लोगों ने इसको इस्तेमाल करना है, इसके प्राइस क्या हैं, बेनिफिट्स क्या हैं, जानिए इस वीडियो में। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक हमें से रिक्वेस्ट कि अभी तक अगर आप मेरे चैनल पर नहीं है या पहली दफ़ा मेरे चैनल पर हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन, क्योंकि कल वीडियो चले गए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो आते हैं वक्त पर अपनी वीडियो की तरफ। आज की वीडियो में बात करेंगे बायोसिन प्योर एंड वाइट व्हाइटनिंग क्रीम के हवाले से। ये एक फेस क्रीम है और ये SPF 15 पर मुश्तमिल है और ये 50 ग्राम की पैकिंग में आपको अवेलेबल होगी। असरा डर्मा वाले उसको मैन्युफैक्चर करते हैं। ओवरऑल अगर इसके बेनिफिट्स की अगर बात की जाए तो ये आपकी स्किन को लाइटन अप करती है, पिगमेंटेशंस एंड डार्क स्पॉट्स को ख़त्म करती है। इसके अलावा स्किन के कम्प्लेक्शन को इन्हांस करती है। इसके अलावा आपकी स्किन के ऊपर एज स्पॉट्स हैं और इसके अलावा लीवर स्पॉट्स वगैरह हैं तो उनको भी इवन टोन में लेकर आती है। इसके अलावा साइंस ऑफ एजिंग को भी ख़त्म करती है, डलनेस को, सैगनेस को। और इसके अलावा अगर आपके पोर्स वगैरह बहुत ज़्यादा हैं और आपकी स्किन बहुत ज़्यादा रफ़ है तो उसके लिए भी बहुत ही ज़बरदस्त क्रीम है ये। इसके अलावा आपकी डेड स्किन सेल्स को एक्सफोलिएट करती है, सन डैमेजेस को ख़त्म करती है, कोलेजन की प्रोटेक्शंस को करेक्ट बनाती है, जिसकी वजह से आपकी स्किन इसके रेगुलर इस्तेमाल से ज़्यादा यंगफुल हो जाती है, स्किन को पॉलिश करती है और प्लस ये स्किन को मॉइस्चराइज और हाइड्रेशन भी फ्राहम करती है और आपकी स्किन कैप पहले से ज़्यादा रिफ्रेश हो जाती है। अब आते हैं इसके इंग्रेडिएंट की तरफ और इसके अंदर इसकी खास बात यह है कि इसके अंदर काफ़ी अच्छे इंग्रेडिएंट्स पाए जाते हैं। इसमें अल्फा आर्बुटिन पाए जाते हैं, इसके अलावा इसमें वाइटामिन सी है, स्कॉर्बिक एसिड है, इसके अलावा वाइटामिन B3 पाया जाता है, नियासिनमाइड्स है, वाइटामिन B5 है। यानी कि ये सारे ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपके कम्प्लेक्शन को फेयर बनाते हैं, डार्क स्पॉट्स को खत्म करते हैं। जैसे कि अल्फा आर्बुटिन है, ये भी डार्क स्पॉट्स को खत्म करने के लिए, पिगमेंटेशन को खत्म करने के लिए काफ़ी अच्छा है। वाइटामिन सी है, स्कॉर्बिक एसिड है जो कम्प्लेक्शन को फेयर करता है, दाग धब्बों को खत्म करता है, नियासिनमाइड्स हैं, काफ़ी अच्छे हैं। इसके अलावा विटामिन B5 भी इसमें पाया जाता है, ये साइंस ऑफ एजिंग को भी ख़त्म करता है, आपकी रिंकल्स को डिले करता है। ये काफ़ी अच्छी क्रीम है। अब आते हैं कि इसकी पैकिंग कितनी है और प्राइस कितने हैं। 50 ml की पैकिंग में आपको ये 3500 तक मिलेगी। प्राइस वेरी कर सकते हैं टाइम टू टाइम एंड प्लेस टू प्लेस, थोड़ी एक्सपेंसिव है लेकिन आपकी अगर पिगमेंटेशन से फ्रैकल्स हैं और आप हर किस्म की अगर आप लोग क्रीम को टेस्ट कर चुके हैं तो आप इसको इस्तेमाल कीजिए। काफ़ी अच्छा इसका रिस्पांस आप लोगों को मिलेगा, काफ़ी अच्छा है कि पिगमेंटेशन एंड फ्रैकल्स के ऊपर अच्छे तरीके से वर्क करती है। लगाने का तरीका मैं आपको बता देती हूँ कि आप लोगों ने दिन में दो दफ़ा इसको इस्तेमाल करना है, लेकिन मैं आपको फिर यही मशवरा दूंगी कि न्यूट्रल स्टेटस पे आप लोगों ने इसको दिन में एक दफ़ा रात के टाइम इसको अप्लाई कीजिए और दिन के टाइम किसी अच्छे सन ब्लॉक का अपनी स्किन के अकॉर्डिंग इस्तेमाल कीजिए। इसका रिजल्ट आपको बहुत जल्दी यानी कि 1 से 2 वीक में इसके रेगुलर इस्तेमाल से आपका कम्प्लेक्शन फेयर होगा, पिगमेंटेशन लाइटन अप होंगी और इसके रेगुलर इस्तेमाल से आपकी पिगमेंटेशन खत्म हो जाएंगी। अगर आपको इसका रिजल्ट 100% मिल जाता है तो आप लोग इसको डिसकंटिन्यू नहीं कीजिए, बल्कि हफ्ते में 1 या 2 दफ़ा इस क्रीम का इस्तेमाल जारी रखें ताकि आपकी स्किन इसी तरह फ्रेश और तरोताज़ा रहे। वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो फिर अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।